इसमें बारिश बारिश वह महीना 2024 के दिन एक गली में एडवोकेट के ऊपर भादानापेट पुलिस ने बहुत बुरी तरह से जोर-तोड़ किया। वजह यह है कि उन कुछ उन्होंने पैर भी कर रहे थे हाईकोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन सब्जुडाइज है नोएडा हाईकोर्ट के अंदर, वो एक प्रीवियस गवर्नमेंट जो टीआरएस गवर्नमेंट ने कुछ अपार्टमेंट अलॉट करे मुतासर इनको, वो सैदाबाद में दिया गया था, उस सिलसिले में उन्होंने पैरवी कर रहे थे। तो उसमें में हैदरा के जो है सो डेमोलिशन का जो चादर घाट का जो है सो इशू रेज हुआ, तब ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब लोकेट करिए हैदराबाद लिमिट्स के अंदर, मलिकपेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो गवर्नमेंट के अपार्टमेंट से तो हम दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा था। तो ये नए लोगों के लिए ऐतराज कर रहे थे, ये लोग एमए कलीम एडवोकेट उनके जो क्लाइंट्स है सबको वो लोग रिप्रेजेंटेशन दिए लीगली, वो लोग जो सो रिट पिटीशन फाइल करे, स्टे पिटीशन फाइल करे, परसों कर रहे। उस दिन रात में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मादानापेट उनको बुलाया पुलिस स्टेशन को, और अपने ऑर्डर कॉपी रिट पिटीशन हर चीज एमए कलीम साहब वहां प्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद वहां से निकलकर चले गए, कुछ बाहर वाले आके कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो पुलिस का ये वो था इंटेंशन कि इनके घर के 4 बजे रात को घर में सो रहे थे, 8 पुलिस वाले इंक्लूडिंग लेडीज पुलिस उनके घर को गए, 4 बजे रात को नींद में से उठाए, खट्टा मार के 2 मिनट वकील साहब बाहर आइए बोल के बात करने के उसने बाहर बुलाए। बुलाने के बाद में जो अपार्टमेंट में रह रहे थे वहां पर कैमरा नहीं, वहां से लेकर नीचे तक उनको लाठी से मार लेते हुए लेके आए। लाने के बाद में जब देखे बाहर नीचे जो सो आवाम ठहरी हुई है उनके सामने, तू इनका लीडर है रे, तू वकील है रे, तू पैरवी कर रहा होता बोलकर वहां से मार लेते हुए संजरगुड़ा तक लेके गए। फिर वहां से मादाना पुलिस स्टेशन तक लेकर आए, वहां पर भी जो सो लाठी चार्ज करे, विजुअल भी जो है उसके असर में है और बाकी जो सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर लिए तो सारे नजर आ जाएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर गाली गलौज मारना, उसके बाद में वो जख्म से भरम नाताप लाकर उन्होंने वहीं पर बेहोश हो गए। तो मादानापेट पुलिस स्टेशन में जब उन्होंने बेहोश हो गए वहां से लेकर उनको उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, पुलिस घबरा गई। उसके बाद में 8 घंटे तक उस्मानिया दवाखाना में बेहोश थे, उसके बाद में ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट करने के बाद में उनके घर वाले आके उनको जो है पुलिस से जान का खतरा है वो लोग कत्ल कर देंगे बोलकर वो लोग वहां से उनको डिस्चार्ज करके घर में लाकर अंडरग्राउंड करे 2 दिन तक। उसके रास्ते में जो है सो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे ये एडवोकेट आज जो है सो ऑब्सेंट करने की वर्क का मंशा ये है कि ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो सो पीसीआई को, और तेलंगाना बार एसोसिएशन को, और जो दिगर स्टेट्स के बार एसोसिएशन को, और सारे एडवोकेट्स को कि हर बार एडवोकेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, और जो सो हम सिर्फ एक दिन के से अब्सेंट फ्रॉम वर्क काम करते हैं, सिर्फ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है एडवोकेट ये पुलिस वालों के खिलाफ। ये मादानापेट का जो वाकया है, ये 8 पुलिस वाले जिसमें 4 लेडी कांस्टेबल शामिल है, ये लोग बहुत ही बुरे अंदाज में जो सो उनको जिस तरह से मार के लेके आए। हम अभी ये चाह रहे कि फिलहाल उन लोगों के ऊपर पुलिस केस रजिस्टर, और ये एक चीज समझने वाली बात है, अगर कोई कांस्टेबल या पुलिस वाले जाकर अगर किसी को मारते हैं तो अपनी तरफ से नहीं जाते, उनके सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करना पड़ता है। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर है, आईओ या इंस्पेक्टर है, या एसीपी है, या डीसीपी है, कमिश्नर भी है, तो ये कानून सबके बराबर है। जो भी मुलविस है इसके अंदर सबसे पहले एफआईआर करिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और दूसरी चीज एडवोकेट्स अमल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो एनैक्टमेंट के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रही है, इसके रास्ते में भी मरकजी हुकूमत से और स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालबा है कि इमीडिएटली जो है उसको एनैक्ट करिए और अमल में लेके आए। और साथ साथ सारे एडवोकेट्स को गुजारिश है यहाँ पर कि सिर्फ अब्सटेंड करने से ही नहीं, हमें पुलिस स्टेशन के पास में भी जाना होगा, कमिश्नर ऑफिस के पास में भी जाकर जो है सो स्कूल प्रोटेस्ट के रखकर रिप्रेजेंटेशन देकर उनका कार्रवाई करने के लिए जो है सो हमें मुतालबा करना चाहिए। तो ये हमारे एडवोकेट्स आज जो है सो 3/10/2024 है, और हम एक्सप्लेन करे हुए वर्क तेलंगाना में सारे कोर्ट्स के अंदर। तो हमारा सिर्फ मंशा ये है कि कोई अपने करना या कोई जुडिशियरी को डिस्टर्ब करना नहीं है, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं जो सालों से जिद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना सो मोटो एक्शन ले, और जो है सो पुलिस कमिश्नर से भी गुजारिश है कि इमीडिएटली मैटर को देखिए मादानापेट पुलिस स्टेशन के जो भी जिम्मेदार पुलिस वाले उनके खिलाफ में एक्शन ले। थैंक यू वेरी मच। पुलिस पुलिस मादानापेट पीएस पुलिस मादानापेट पुलिस।